ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब साइलेंस में रहने के लिए कहा जाता है लेकिन ना चाहते हुए भी आप बोल में आ जाते हैं, साइलेंस में नहीं रह पाते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे कि आप चाहते हो कि हम वाचा में ना आए, मतलब बोले ज़्यादा नहीं, फिर भी आप आ जाते हो बोलने में, बोल लेते हो, क्योंकि अभी भी इस दुनिया से तुम्हें प्यार है, इसीलिए आप बात करना चाहते हो सबसे। वाचा में आने के बाद सोचते हो हम कुछ हल्के हो गए, मतलब किसी से अपना कुछ बात शेयर कर लिए तो सोचते हैं कि अब हम हल्के हो गए। क्या हल्के हो जाते हैं अपना दुख का बात किसी से बोलने के बाद? क्या हल्के होते हैं? ना समाधान होता है ना कुछ, लेकिन मन में आ जाता चलो हल्का हो गए, क्या हल्का हो गए। परंतु नहीं बच्ची, सूक्ष्म रीति से आप और ही भारी हो जाते हो। अगर किसी को आप सुनाते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, हम क्या करें क्या करें, और भारी हो जाते हो। बाबा क्लियर कर रहा है, हम लोग सुनाते रहते थे तो क्योंकि जिस संस्कार को खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, यदि आप बार बार उस संस्कार को यूज करोगे, मतलब बोलने का संस्कार खत्म करना है और बार बार आप बोल रहे हो, तो यह संस्कार कैसे खत्म होगा? आपको चुप रहकर अभी क्या गाना बज रहा था, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, भगवान का चिंतन करो तो भगवान तुम्हें हर तरह से मुक्ति दिला देगा, हर तरह से अच्छा करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि दुनिया वालों को आधार बनाते, किसी न किसी से बात करते हैं और अहंकार में चूर रहते कि मेरे जैसा अच्छा कोई कर नहीं सकता है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करते हुए दुख होता है, क्या करे, सब कुछ तो अच्छा कर रहे, पता नहीं, मतलब पता नहीं क्यों बोले, क्योंकि हो सकता है भगवान दुख दे रहा हो। इनडायरेक्टली लोग यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है, तो ये पता नहीं का मतलब क्या हुआ कि मेरा कोई गलती नहीं है, दुख कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। इनडायरेक्टली बोल दे रहे कि मेरा, जबकि गलती हमारा होता है, हम बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहे, हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। अंदर में जवाब आता है कि देखो यहाँ तुम अच्छे से नहीं चल रहे हो, यहाँ अच्छे से नहीं चलो, लेकिन उसको दबा देते हैं, चुप रहो। जैसे घर में ना कोई, मतलब झूठ, हम लोग बच्चे लोग झूठ बोलती है, कोई चीज़ गलत काम करके आए, सामने वाला बोल रहा ना कि बेटा को, बेटा गलत किया है, सामने वाला आकर बोल रहा ना कि तुम्हारा बेटा गलत किया है, आप बोल रहे नहीं मेरा बेटा सही है, बिल्कुल सही है, मेरा बेटा कुछ नहीं किया। बेटी बोलने आ रही है मम्मी भैया गलत किया है, तो उसको भी आप डांट दिए, चुप रहोगी अभी, तुम बड़ी है कि छोटी है अभी, तो चुप रहो, ऐसा देखा हुआ है, जान रही है माँ कि बेटा का गलती है, बेटा गलती किया है, बेटी बोल रही है सच क्योंकि बच्ची है, वो बोल रही है कि मम्मी भैया गलती किया है, लेकिन उसको डांट दी जाती है कि नहीं अंदर से, अभी छोटी है, छोटी जैसा रहो, उसका कोई गलती नहीं है। तो क्या है, एक अहंकार है कि मेरा कहीं सर नीचा ना हो जाए, मेरा सर नीचा ना हो जाए, मेरा बेटा का बदनामी होगा तो माँ बाप का बदनामी, देखो माँ बाप कैसा संस्कार दिया जो अभी तक ऐसा कर रहा है इसका बेटा। तो उसी तरह हमारा मन बुद्धि है ना, बेटा और बेटी है, तो मन बोलता है कि मन गलती करता है और बुद्धि बोलती है कि देखो मन गलत किया है, लेकिन बुद्धि को हम दबा देते हैं चुप रहो अभी, मन ही सही है, मन कुछ गलत नहीं किया है, और फिर बोलते हैं भगवान कुछ क्या हुआ पता नहीं, क्यों हो रहा मेरे साथ पता नहीं, पता नहीं का मतलब कि मेरा कोई गलती नहीं है इसमें, अगर मेरा भोगना आ रहा तो तुम्हारा गलती है, इनडायरेक्टली उसको बोल देते हैं। तो एक अहंकार भी आ गया, झूठ भी आ गया, लेकिन उससे क्या हो गया, आपका दुख बीमारी तो दूर नहीं हुआ और बल्कि और चढ़ गया, क्योंकि आप अपनी गलतियों को निहार ले रहे बल्कि वो गलती बाबा पर अर्पण कर दे रहे कि बाबा तुम्हारा गलती है, मेरा गलती नहीं है, हम कहीं गलती नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये भोगना आ रहा, अब बाबा जाने, बाबा जाने मतलब बाबा का गलती है। तो ये सूक्ष्म पाप हम बार बार चढ़ाते हैं और हम लोग अपनी गलतियों को देख नहीं पाते। मैं बुद्धि हालांकि जवाब देता होगा, आप एकदम साइलेंस में बैठेंगे आपको बुद्धि क्लियर करेगा कि देखो तुम यहाँ अच्छे से नहीं चल पा रही, बोलता है कि नहीं, कभी बात की अपने मन बुद्धि से, मन बुद्धि से बात करते तो बुद्धि बोलता है कि नहीं कि यहाँ गलती हुआ, यहाँ गलती हुआ, लेकिन हम उसको सुनना पसंद नहीं करते, क्यों, इंसल्ट फील लगता है, क्योंकि मेन गार्जियन को सब दोष देता है ना, इसीलिए।
तो इसीलिए हम लोगों को अहंकार है, ये अहंकार है जो हम स्वीकार नहीं कर पाते अपनी गलती को। जिस दिन अपनी गलती को स्वीकार कर लिए उस दिन वो महानता की श्रेणी में हम पहुंच जाएंगे। एक राजा था, तो वो राजा एकदम निराहंकारी था, अहंकार नहीं था उसके अंदर। एक भिखारी आया, उसके सिर उसके पैर पर अपना सर रख दिया कि आप जो बोलिए हम देने के लिए तैयार है। सर रख कर पैर पर अपना सिरा, उसके बाद बोला कि आप जो बोलिएगा सो देने के लिए तैयार है। अब उसका जो सैनिक था, सेनापति था, मंत्री गण था, सब बोलने लगा ना कि सम्राट आप इतने बड़े सम्राट हैं और आप भिखारी के सिर पर अपना भिखारी के पैर के पास अपना सिर रख रहे हैं, ये शोभा नहीं दिया, हमको अच्छा नहीं लगा आपका सिर झुकते हुए देखे तो, वो भी भिखारी के पैर के पास। तो सम्राट थे बहुत बुद्धिमान, वो शांत हो गए, मुस्कुरा दिए। तो कुछ दिनों के बाद एक बकरी का सिर, एक गाय का सिर, एक आदमी का सिर, इस तरह से कई जानवरों का सिर जमा किया। राजा शिकार पे जाता था तो बहुत सारा सिर इकट्ठा किया। उसके बाद उसी मंत्री को बुलाया, बोले जाओ इसको बेच दो, बेच दो। अब कोई गाय का सिर ले लिया, कोई बकरी का सिर ले लिया, कोई घोड़े का, कोई ना कुछ ले लिया, क्योंकि सबका सिर का कोई वैल्यू होता है। लेकिन आदमी का सिर कोई नहीं लिया, सारा सिर भी कि गया, आदमी का सिर रह गया। अब आया बोला कि दिन भर तो घूमे लेकिन आदमी का सिर कोई नहीं लिया। तो फिर बोले जाओ फ्री में देखिए। गया फिर से वो मंत्री, फ्री में देने के लिए तो बोलता पागल हो गया क्या, सो फ्री में भी नहीं लेंगे इस सिर को, क्या करेंगे इसको फेंकने का फिर दन, क्या करेंगे इसका सिर लेके। फिर लौट कर आया मंत्री, उदास हो गया, बोला कि सिर तो नहीं बिक रहा है। तो बोले कि देखो इस आदमी का सिर का क्या वैल्यू है। सो उस दिन जब भिखारी के पैर पास मेरा सिर गिरा, अब तुम विचार करो जिस दिन हम मर जाएंगे, अगर तुम मेरे सिर को काट कर किसी को बेचोगे कोई लेना पसंद नहीं करेगा, फ्री में भी नहीं लेगा, लेगा। तो वो बोला मंत्री नहीं, तो बताओ अहंकार के बस हम जो शरीर सिर को नहीं झुकाते मरने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो किस बात का अहंकार करें, किस बात का। किसी के भी आगे झुकने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। एक पेड़ में भी फल लग जाता है तो वो झुक जाता, झुकने का मतलब होता है नम्रचित हो जाना, नम्रता को धारण कर लेना। तो हमें अहंकार को त्याग कर देना है और भगवान का चिंतन करना है, भगवान कैसा है, कैसे उसको पाया जा सकता, उसका चिंतन करना। हम ये हैं, हम वो हैं, अरे लेकर क्या जाओगे, सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा, जो कर्म कर रहे वही लेकर हम जाएंगे। लेकिन हम लोगों का ध्यान क्या होता है कि वायुमंडल के कारण हमारा ध्यान खराब हो जाता है, हम लोग दुनिया को देखने लग जाते हैं और उसके अनुसार आचरण में ले आते, यही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। हम लोग रहे भले इस दुनिया में लेकिन इस दुनिया से परे रहें, तब जाके वैल्यू हमारा होगा। एक बार एक सन्यासी जो था रास्ते में जा रहा था, मेला लगा हुआ था चारों तरफ, तो वो सन्यासी बड़ा खुश हो रहा हो होके मन मगन होकर जा रहा था। उसको कोई परवाह नहीं कि मेला लगा हुआ है, लोग क्या खरीद रहे हैं, वो सबसे उसको दरकार नहीं, बहुत मगन होकर जा रहा था। राजा छत के ऊपर अपने महल के खड़ा था, छत से देखा ये सन्यासी कितना अच्छा मगन होके चल रहा, एकदम वो बेचैन हो उठा। बोले अपने सैनिक को ना कि अभी अभी लाओ उस साधु को, हमको उससे कुछ पूछना है, मतलब इज्जत के साथ। लेकिन सैनिक देखा कि राजा एकदम मगबका रहा ना, तो क्या कि ऊपर से रस्सी गिरा दिया और उसको बांध कर ऊपरी जल्दी से ऊपर खींच लिया सन्यासी को और ऊपर ले आया गया जल्दबाजी में। अब सन्यासी भी सोचा कि आगे ऐसा क्यों, तो राजा माफी मांगा, बोला ऐसा आपको लाने के लिए हम माफी मांगते हैं। तो बोले कि राजा साहब इतना उग्रता जरूर कोई विशेष बात होगा जो हमको इतना मतलब रस्सी से खींचकर मतलब बाहर जाकर बुलाने का भी नहीं समय रहा आपके पास, कि इतना बेचैनी आखिर क्या है। तो बोले आपको देखिए आप कितना मगन थे, सो मेरे मन में ये विचार उठ रहा कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, कैसे आनंद में जी सकते हैं, आप कितना आनंद में रहते हैं। तो सन्यासी कुछ देर सोचा कि बोले भगवान तो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंदर को सुधारो तुम भगवान को पा सकते हो, जब जिज्ञासा जग जाए तो तुम कर लोगे पा लोगे भगवान को। तो लेकिन कैसे जिज्ञासा जगाए,
तो लेकिन अभी तुम कैसे जगाया तुम हमको पाने के लिए? अभी अगर हम अपने से आते तो हमको तुम्हारा सैनिक को बोलना पड़ता, सैनिक फिर तुमको बोलता, तुम हो सकता बिजी रहते, हो सकता तुम ऑर्डर नहीं भी देते कि अभी टाइम नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब तुम्हारे मन में इच्छा जागा तो तुम क्या कि इतना उग्र हो गए कि हमको रस्सी से ऊपर खींच लिया, मतलब दरवाजे से भी बुलाने का नहीं रहा। तो उसी तरह अगर तुम अपने अंदर जगा लो भगवान से मिलने का, तो भगवान भी बंद कराने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वो जो अभी तुम बेचैनी महसूस किए मुझसे मिलने का, यही बेचैनी उससे मिलने का बेचैन हो जाओ, तब जाके वो जरूर मिलने आ जाएगा, वो बंधा चला आ जाएगा। इसी तरह सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर भगवान स्वयं आकर बोले ना कि हम भगवान हैं तुम हमसे मिलो, तो लोग क्या बोलेंगे? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अरे कौन है भगवान? भगवान अपने आप को कह रहा है, मजाक उड़ा देगा। सच में भगवान आ जाएगा ना, अभी सच में तो आया हुआ है, जाते हैं सबको संदेश देने के लिए कि देखो भगवान आया हुआ है। लेकिन लोग हंसी में उड़ा देते हैं, अरे भगवान इन्हीं लोगों को मिल गया है, हम लोग क्या हैं? आज देखिए जाके भजन कीर्तन जो होता है, भजन मंडली उनके पास जाके देखिए, नहीं आप लोग को भगवान मिल गया है, देखिएगी उन लोग एडवांस पार्टी और मजाक उड़ा देगा। अपने आप को अहंकार में पाल रहा उन लोग, और एक मूर्ति से पाकर बहुत खुश है क्योंकि इस जन्म में भरपूर है। बाबा कई बार बोलता साहूकार सुनकर भी अनसुना कर देंगे और गरीब ही मुझे पहचानेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने अंदर को इतना जगा दो, इतना जगा दो कि तुम्हें प्रभु प्रेम के अलावा कुछ सूझे ही ना। जैसे कि वो सन्यासी चारों तरफ मेला लगा था, आकर्षण का केंद्र था उस समय, लेकिन उसका मन बुद्धि कहीं नहीं जा रहा था। आज वो चीज हम लोगों को महसूस होता है कि नहीं? आज हम लोग भी चारों तरफ दुनिया को देख रहे, इतना घूम रहा फिर रहा है लोग, इतना ये लेना वो लेना, कहीं बुद्धि जा रहा है? कहीं बुद्धि नहीं जा रहा, बल्कि और जो पहन रहे ना उसी में मगन है। हम लोग बहुत खुश हैं कि मेरी जैसा तो खुश कोई भी नहीं, ये महसूस करते हैं। लाख है दुनिया के पास, लेकिन मेरे पास तो भगवान है, इतना हम लोग खुश मस्ती में रह रहे हैं। तो ये मस्ती की लगन अपने अंदर पैदा करना होगा। जैसे कि वो सन्यासी से मिलने के लिए बेचैन हो गया, वैसे हम लोग को भगवान से, कि आखिर भगवान है क्या? जिस समय हम बहुत एक बार बेचैन हुए थे, बाबा से नहीं मिले हुए थे, और रात का समय था, डेली क्या करते थे ना कि बेचैन होते रहते थे अंदर से, लेकिन रात में ही पता नहीं क्यों, दिन भर तो कामों में बिजी, इधर बात करो उधर बात करो बिजी रहते थे, शाम होता था 6:30 तुरंत खाना बनाते थे और अपने छत पर चले जाते थे और छत पर बैठकर चंद्रमा को देखते थे ज्ञान में आने से पहले, और उससे बहुत सारी बातें करते थे। बोलते थे कि आखिर भगवान है कौन, क्यों इतना पूजा किया जा रहा, कभी तो हम लोग देखे नहीं है भगवान को, फिर तुमको इतना कौन क्यों पूजा किया जाता है, और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मतलब चंद्रमा को देखते हुए ये सारा बात हम करते थे। और उसके बाद 1 महीने के बाद ही हमको ये संदेश मिला भगवान का कि भगवान आया हुआ है, और भगवान से मिले तो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये जो गाना निकला ना, बड़े दिनों के बाद हुई जब खुद से मुलाकात, बनकर चांद तुम्हें ने देखा सुन ली सारी बात। अब ये गाना तो मेरे दिल को छू गया कि ये चंद्रमा से ही तो हम बात कर रहे थे ना डेली, और डेली देखिए कैसे सुन लिया भगवान चंद्रमा के रूप में, और तुरंत हमसे मिलने आ गया। पता चला सही में भगवान आता है कभी मिलने के लिए इस संगम युग पर। अब जब भगवान मिला तो जो बाबा वादा दिलाता है याद, कि बच्चे तुमने वादा किया है कि हम सब कुछ समर्पण करेंगे, वो वादा बार बार हमें अपने अंदर आने लगा, अभी अभी हमको सब कुछ कर देना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब क्या लगन लग गया था ना कि सारा दुनिया संपत्ति मान इज्जत सम्मान सब एक तरफ कर दिए थे एक समय शुरुआत में, और एक तरफ अकेले खड़े हो गए, बोले हमको कुछ भी कर लिया जाए भगवान को नहीं छोड़ेंगे। इतना लगन लग गया था उस समय, इतना लगन कि हम बोले नहीं छोड़ेंगे भगवान को, कुछ भी कर लो, मर जाना स्वीकार है लेकिन भगवान को छोड़ना स्वीकार नहीं। अब तो सबको डर पैदा हो गया, कौन सा जादू लग गया इसको, कौन सा जादू लग गया है कि भगवान भगवान, मतलब कौन ऐसा भगवान, इतना साधु सन्यासी को भगवान नहीं मिलता और इतना
पाप मतलब महापापी जो रहा उसको भगवान मिल गया। महापापी खान पान सब कुछ अशुद्ध था ना, कोई चीज तो अच्छा नहीं था। अब इसको कैसे इतना जल्दी भगवान मिल जाएगा? कोई तो जादू किया, कुछ तो जादू हुआ है। अब बहुत सारा वो ना टोटका जो था सारा कुछ किया गया, पैसा बर्बाद किया गया, लेकिन कुछ काम आएगा? कुछ काम आएगा? नहीं काम आएगा। कुछ लगा जैसे कि धूला छीड़ा और वो धूला निकलकर बाहर चला गया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा लगा। और उस समय लगता था कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, कोई रिश्ता नाता क्या है, सब शरीर छोड़ेगा सब खत्म हो जाएगा, क्या लेकर जाएंगे, ऐसा वैराग्य। और लेकिन वो एक बचपना था। अब जैसे जैसे मैच्योर हो रहे ज्ञान में, अब क्या संकल्प बाबा दे रहा, बच्चे तुमको बैलेंस करके चलना है, सबको लेकर चलना। अब फिर सबको लेके चलने लगे तो ये बैलेंस आने लगा, तो अब दूसरों को भी क्या बोलते, लगन लगाओ लेकिन बैलेंस करके चलो। अब वो समय था तो वो भी एक प्यार था बाबा के प्रति। और वो प्यार में क्या हुआ कि भल विरोध हुआ लेकिन पूरा परिवार में जो फैल गया ना कि ऐसे सबको ही बोलते थे, लोग बोलता था आप खाना नहीं खाते हैं, आप ऐसे छोड़ दिए, क्या आपको हो गया, इतना कम उम्र हुआ है फिर भी। हम बोले भगवान को प्यार करने के लिए उम्र देखेंगे क्या? क्या आपको भगवान मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? इसी बात में सब चुप हो जाता था, भगवान का नाम लेने से ही चुप हो जाता है लोग। तो केवल यही बोलते थे कि भगवान खाना नहीं खाते, हम क्यों नहीं खाएंगे, बिना खाए थोड़ी रहेंगे, लेकिन हाँ जो भगवान को भोग लगेगा हम वही स्वीकार करेंगे। तो क्या ये भोग आप भगवान को स्वीकार कर करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो हम खाने के लिए तैयार, लेकिन मन में तो उठता है ना कि नहीं ये भोग भगवान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे तैसे कोई बनाया, बिना नहाए बनाया, भोग आप ही लगाइए। उनको बोलते थे कि आप ही भोग लगाइए, हम खाने के लिए तैयार। अच्छा आपके अंदर संकल्प उठेगा कि नहीं कि ये खाना भोग लगाने लायक नहीं है? एक तो कभी नॉनवेज का भी बर्तन होता है, बर्तन भी जैसा तैसा रहता है। दूसरा कि नहाए, अगर नहा लैट्रिन बाथरूम गए जैसे ऐसे आए और बना लिए, वो खाना कोई लगाएगा आज के डेट में? कोई भी आज भी नहीं लगाएगा। तो ये सारा जब बात उनके तक गया तो उन लोग चुप होने लगे, कुछ नहीं बोले। अंदर में चल रहा क्या इसको हो गया, क्या इसको हो गया, लेकिन यही चीज़ प्रत्यक्षता का कारण भी बना, पूरे परिवार में ये चीज़ फैल गया। और उसके बाद आज पूरा परिवार भी स्वीकार कर लिया, अब कहीं भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता है, भगवान के प्यार में सहज हो जाता है सब कुछ। लेकिन हम प्यार तो करें, लेकिन हम सिर्फ बोले कि नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर पता नहीं ये दुख क्यों हो रहा। तो पता नहीं मतलब भगवान को दोषी मानकर चल रहे, कैसे आपका ठीक होगा? कहाँ गलती हो रहा, खुद को निहारने का शक्ति रखें कि मेरे से गलती आखिर हो कहाँ रहा, कहाँ सूक्ष्म रूप से मेरे से गलती हो रहा, किस भाव में मेरे से गलती हो रहा है, इस गलती को बाबा दिखाना चाहता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। इसी को कहा गया है गीता में मूढ़ मति लोग, मूढ़ मति जो अपनी गलतियों का दोष भगवान पर डालते हैं। तो हम अपनी ही कर्मों से आज सजा भोग रहे हैं, तो इस पे अटेंशन रखकर हमें समझना चाहिए। ओम शांति।